हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक, क्योंकि विंटर में अक्सर हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। विंटर में हमारे स्कैल्प भी ड्राई होने की वजह से हमारे बालों के अंदर स्कैल्प के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग और फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और इसी वजह से हमारे बालों के हेयर ग्रोथ रुक जाती है और हमारे बालों में हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हेयर पैक, जिसकी मदद से आप इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है आंवला पाउडर। मैंने यहाँ पर इस तरह से रेडीमेड आंवला पाउडर लिया है। अगर आपके पास आंवला है तो आप उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं लूंगी 1 इंच जितना अदरक का इतना टुकड़ा। अदरक को मैं कद्दूकस करके उसका रस निकाल लूंगी। अदरक को मैंने कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लिया है। लगभग हमें 1 से 2 चम्मच जितना जूस मिल गया है। इसे हम ऐड कर लेंगे ये आंवला पाउडर के अंदर। आप जानते ही होंगे कि आंवला पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और हेयर फॉलिंग को स्टॉप करता है। ये हमारे बालों को मजबूत और घना भी बनाता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगी, वो है बटर मिल्क। बटर मिल्क अगर आपके पास नहीं है तो आप दही को हल्का सा क्रश करके भी इसे बना सकते हैं। बटर मिल्क को हम छाछ भी कहते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगी छाछ को। हमें एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है। आपको जितनी ज़रूरत लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें छाछ ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल विथ एलोवेरा। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और शाइन देता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है, जिससे विंटर में हमें जो हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है उस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आप कोई भी हेयर पैक बना रहे हैं उसमें आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हमारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज और अच्छे से शाइनी बनाने के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस, ये हमारा बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव एक हेयर पैक रेडी हो चुका है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अपने बालों से टेंगल रिमूव कर लीजिए, और आपके बालों में ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके बाल ड्राई होने चाहिए और धुले हुए होने चाहिए। अपने बालों के छोटे छोटे पार्टीशन करके अपने बालों की जड़ों में अच्छे से इस पैक को अपनी फिंगर की मदद से अप्लाई करें। इस पैक में हमने आंवला पाउडर के साथ बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमने जिंजर का भी इस्तेमाल किया है। जिंजर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे बालों से डैंड्रफ को रिमूव करता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो उसे भी दूर करता है, हमारे स्कैल्प का पीएच लेवल मेंटेन करता है, जिससे हमारे बाल घने और मजबूत भी बनते हैं। तो इस पैक में हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एकदम सही है। विंटर में मैं कोई भी पैक वीक में सिर्फ एक बार ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि विंटर में ठंड की वजह से मुझे सर्दी जुकाम का डर रहता है, इसलिए मैं सिर्फ एक बार अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पैक को वीक में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपको बालों की पूरी जड़ों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो भी पैक बचता है उसे अपने बालों के एंड पर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए बन बनाकर छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपने बालों के ऊपर सावर कैप या तो फिर कोई भी पुराना टॉवल लपेट के रखना है। 1 घंटे के बाद आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। 1 बार के इस्तेमाल से ही आप अपने बालों में चमक देख पाएंगे। आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी वो भी 60 से 50% एक ही बार के इस्तेमाल से रिमूव हो जाएगी। आई श्योर दोस्तों कि आपको ये हेयर पैक बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखें। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।